हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स बाय रोहन पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा ऑफर बताने वाला हूँ जहाँ से फ्लैट आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक पेटीएम में इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो सिंपल सा ऑफर है, सिंपल सा प्रोसेस है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट आप लोग लास्ट तक देख लेना, जरूर से आपको सारा ऑफर और सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नहीं रखा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कोई भी ऑफर, कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको पता चल जाती है। प्लस आपको बहुत सारे कैंपेन वगैरह भी आ रहे हैं जहाँ से अगर कोई अच्छा खासा ऑफिशियल ऑफर नहीं चलता है तो आप लोग कैंपेन को यूज करके, कैंपेन के ऑफर्स को यूज करके कुछ पेटीएम कैशबैक कमा लेते हो। तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते के साथ आप लोग कैशबैक सेक्शन में जाओगे। कैशबैक सेक्शन में जाते के साथ आप लोग रेंट, यहां पर सोप ऑफर टाइप का एक आपको बैनर आएगा, सोप ऑफर टाइप का एक सेक्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑफर देखने को मिलेगा, कुछ ये वाला ऑफर कि यहाँ पर अगर आप लोग रेंट पेमेंट करोगे 5 टाइम्स के लिए तो हर बार के लिए आपको फ्लैट 20 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। रेंट पेमेंट आपको 5,000 का करना होगा और यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी तरह का चार्ज नहीं लग रहा, इंस्टेंटली आपका पैसा बैंक अकाउंट पर आएगा। बस ये प्रोसेस को करने के लिए आपको हर बार, मतलब टोटल से आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, हर बार आपको 20-20 करके आपको कैशबैक मिलेगा। तो कैसे इस ऑफर को अप्लाई करना है, सबसे पहले आप एक काम कर लो कि पेटीएम वॉलेट पर जाकर 5,000 रुपीज़ का आप लोग ऐड मनी करो। समझो, जैसे आप लोग ऐड मनी करोगे आपको कुछ ना कुछ आपको कैशबैक पॉइंट भी मिलेगा, उससे बाद से ऐड मनी कर लो। जैसे आपने पेटीएम वॉलेट 5,000 रुपीज़ का ऐड मनी कर लिया, अब आप लोग सर्च करो ऊपर में रेंट पेमेंट। जैसे आप रेंट पेमेंट वाला सेक्शन में सर्च करोगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आपको ऑफर सेक्शन में ऑफर नहीं दिखता है फिर भी एक आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, शायद आपको कैश भी मिल जाए। क्योंकि एक अकाउंट पे मेरे ऑफर सेक्शन में ऑफर नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने रेंट पेमेंट किया तो उसका मुझे 20 रुपीज़ का कैशबैक मिला। तो आप करना क्या है कि रेंट पेमेंट वाला सेक्शन है वहां पर सर्च करो। सर्च करते के साथ रेंट पेमेंट सर्च करो। सर्च जैसे करोगे आपको पहला ऑप्शन में आएगा रेंट पेमेंट, उस पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी इसमें बैंक अकाउंट वगैरह ऐड है, नहीं ऐड है तो ऊपर वाले ऊपर में आपको क्लिक करना है ऐड टू बैंक अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपको जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा चाहिए वो अकाउंट भी डाल सकते हो, आप सेम अकाउंट भी डाल सकते हो। जैसे आप जिस पेटीएम वॉलेट से आप पेमेंट कर रहे हो उसी का भी पेटीएम पेमेंट बैंक है वो भी डाल सकते हो, मैंने भी सेम वही किया। तो कोई भी बैंक है, बैंक का डिटेल्स डाल दो, उसके बाद प्रोसीड टू पे का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको कितना अमाउंट भेजना है। तो मैंने आपको बोला 5,000 रुपीज सबको मिनिमम भेजना ही है, तो 5,000 रुपीज सिलेक्ट करो, प्रोसीड के पे का ऑप्शन में क्लिक करो। उसके बाद पेमेंट पेज जब आएगा तो सबसे नीचे में जाओ ना, आज जाते के साथ आप लोग देखोगे पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन है, तो क्लिक करके पेटीएम वॉलेट से रेंट पेमेंट कर दो। जैसे आपका रेंट पेमेंट यहां पर देखोगे 1-2 मिनट के बाद या 30-40 सेकंड के बाद जैसे सक्सेस हो जाता है, आप लोग कैशबैक सेक्शन में जाकर देखोगे तो एक स्क्रैच कार्ड आपको कैशबैक पॉइंट के रूप में मिला, जैसे 500 रुपीज आपको कैशबैक पॉइंट मिलेगा। सेकंड में आपको यहां पर फ्लैट 20 रुपीज का कैशबैक आपको पेटीएम वॉलेट पे मिल जाएगा। जैसे आप स्क्रैच करोगे, स्क्रैच करके 20 रुपीज का कैशबैक आपको मिल गया। उसके बाद आप पेटीएम वॉलेट में जाकर देखोगे आपने, या फिर जो भी बैंक आपने डाला उस बैंक अकाउंट में जाकर देखोगे तो आपका पैसा जो है वो रिसीव हो चुका होगा। समझो, तो रेंट पेमेंट का ये खेल है कि आपको वॉलेट से घुमा के इस तरह से पैसा को अपने बैंक में लाना है। इस प्रोसेस के लिए आपको 20 का कैशबैक मिलेगा एक बारी के लिए। फिर से आप लोगों को सेम प्रोसेस करना है, आपको पेटीएम वॉलेट पर जाकर 5,000 रुपीज की एड मनी कर लेना है, क्योंकि ऑफर यहाँ पर सेम लिखा हुआ है ऑफर के टर्म कंडीशन में कि आपको पेटीएम वॉलेट से ही पेमेंट करना होगा। कार्ड को यूज करके या फिर बैंक को यूज करके करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, फिर से आपको पेटीएम वॉलेट पर ऐड मनी कर लेना है। ऐड मनी करते के साथ फिर से आपको वही प्रोसेस करना है, रेंट पेमेंट वाले मैटर वालों में जाओगे, आपने पहला बार ऐड जो कर दिया होगा बैंक अकाउंट वो आपको शो कर जाएगा। बस आपको पे के ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको करना क्या है, पे के ऑप्शन में क्लिक करके आपका 5,000 रुपीज डाल के प्रोसीड कर देना। जैसे करोगे फिर से सेम प्रोसेस के कारण आपका बैंक में 5,000 रुपीज आ जाएगा इंस्टेंटली। उसके बाद आपको जो कैशबैक है वो 20 रुपीज से स्क्रैच कार्ड जो है वो आपको इंस्टेंटली मिलेगा। अब आप इस प्रोसेस को, मैंने आपको 2 बार करके देखा, इस प्रोसेस को टोटल से आप 5 बार करोगे, 5 बार आपको 20-20 करके आपको कैशबैक मिलेगा। टोटल से 100 रुपीज का कैशबैक आपको इंस्टेंटली यहाँ पर पेटीएम अकाउंट पे मिल जाएगा। समझो, कैशबैक सेक्शन आपको कैशबैक कहाँ दिखने, अगर आपको कैशबैक पेटीएम वॉलेट पे क्रेडिट नहीं होता तो 1-2 घंटे के बाद वो क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग कैशबैक सेक्शन में जाओगे, कैशबैक सेक्शन में कैशबैक जो दिखता है बैनर वहां पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा आपका जो कितना कैशबैक आपको मिला है। तो 20-20 करके आपको टोटल से 5 टाइम कैशबैक मिलेगा 100 रुपीज का। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरह से ऑफर को यूज करें रेंट पेमेंट के द्वारा। तो होप सब वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो अपने तरफ से कर दो लाइक, नहीं तो चैनल को तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को नहीं आओ ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन।